विधानसभा में आज संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार रखा गया है, जिसे उद्घाटन सत्र में गुलाब नबी आजाद का भाषण हुआ। वहीं समापन सत्र को नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। विधानसभा में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा यह सेमिनार करवा रही है। जुलाई में भी विधानसभा में कोविड को लेकर सेमिनार रखा गया था, जिसे राज्यसभा के उपसभापति हरवंश और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिवंश ने संबोधित किया। विधानसभा में इस सेमिनार के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर बाद शुरू होगी। दोपहर बाद कार्यवाही शुरू होने के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखे गए हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीधे विधेयकों पर चर्चा होगी। आज दो बिल पारित हो सकते हैं। विधानसभा में आज बीएसई की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसमें विधानसभा के इस सप्ताह के पूरे कामकाज को तय किया है। विधानसभा 18 सितंबर तक चलेगी। इस सप्ताह 12 बिल बहस के बाद पारित होने की संभावना है। सीपीए एक ऐसा फोरम है कि जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अरसे शुरुआत तो इसकी 1911 में हुई और 1948 में कोई मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और हमको भी टू सपोर्ट गुड गवर्नेंस, एक अच्छी सरकार हुकूमत कैसे, एक अच्छा प्रशासन कैसे चले। दूसरा है लोकतंत्र को कैसे बल मिले और तीसरा ह्यूमन राइट्स किस तरह से कम हो जाए। तो आज आपका जो सब्जेक्ट है संसदीय लोकतंत्र, तो इसकी इन तीन शब्दों में आता है। गुड गवर्नेंस तो हमारे लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का हिस्सा होगा और डेमोक्रेसी तो इसका एक लक्ष्य है, उसको आगे चलाना। गांव में भी आप जाएंगे तो वो कहेंगे अरे लोकतंत्र नहीं है, मुझे अपनी आवाज़ मैं क्यों नहीं दे सकता, मैं गालियां क्यों नहीं दे सकता। इसमें भी लोकतंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को थप्पड़ मारना हो तो लोग कहते हैं ये भी लोकतंत्र में शामिल है। लेकिन लोकतंत्र बुनियादी शब्द कहाँ से आया? ये ग्रीक से आया। बहुत साल पहले और ग्रीक में डेमोस का मतलब है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ग्रीक में डेमोस से बन गया बाद में डेमोक्रेसी, लेकिन उसका मतलब क्या है?